इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में टीकाकरण के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दो दिन पूर्व यहां बल्दी राय थाना इलाके के एक प्राइमरी स्कूल में टीकाकरण के बाद एक 1.5 महीने के शिशु की मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन बच्चे बुरी तरह से बीमार है। इन्हें बुखार के साथ साथ इनके पैरों में सूजन आ गई है। हैरत की बात यह है कि अब तक कोई स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बराबर खेलत रहा, कुछ सब कुछ, दूध पानी सब कुछ, जब से सुई लगाई न दूध पीस न खेली, रात भर चिल्लान, कल सारा दिन चिल्लान, कल से ज्यादा तबीयत खराब भर के, दूध दूध एकदम कुछ ना पीस, उनके यहाँ फिर लेके गए, जहाँ सुई लगा रही कहीं गैस बनी है। कल 3 दिन लेटरिन करी, बाकी तीसरे दिन लेटरिन करत रहे। हमसे कहीं कि सरकारी न देखा, अरे प्राइवेट न देखा, सरकारी लेके जाए। मैं यहाँ गांव के टीका लगा 5 साल के बच्चे का, और उसके बुखार है और चल नहीं पा रहा है। कब लगा टीका ये? कितने दिन हो गए? परसों। तो क्या बताया डॉक्टर जो दिखाई कहीं को? दवा लाई थी पहले बुखार का, और यहाँ दवा दी थी, उसको खियाई। तो कोई आराम नहीं मिला? आराम, बुखार तो आराम का आराम है, चल नहीं पा रहा है। दरअसल बल्दी राय थाना इलाके के ग्राम सभा एंजर के कनकपुर प्राइमरी स्कूल में 5 मार्च को टीकाकरण कैंप लगाया गया था, जिसमें ANM रूबी और आशा बहु मीरा ने बच्चों को टीके की डोज दी। इस बीच टीकाकरण के बाद कनकपुर गांव में कई बच्चों की हालत बिगड़ गई, लेकिन कोई एक स्वास्थ्य अधिकारी या कर्मचारी गाँव में नहीं पहुँचा। गांव निवासी वीरेंद्र कुमार के 1.5 महीने के पुत्र रुद्रांश की मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय आकाश, 5 वर्षीय अंश, 5 वर्षीय रितेश, 1.5 वर्षीय आशा, 7 वर्षीय रिया और 7 वर्षीय लक्ष्मी को बुखार के साथ पैर में सूजन आ गई। फिलहाल प्रभारी थाना अध्यक्ष बल्दी राय मनोज कुमार ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक नहीं पहुंची। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NTTV भारत। दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।